सुएस कैनाल, नाम तो सुना ही होगा आपने। इजिप्ट में लोकेटेड एक मैनमेड वाटरवे है जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। पर इसको बनाया क्यों गया? इसके जवाब को ढूंढने के लिए हमें 19th सेंचुरी में जाना होगा। यूरोपियन पावर्स जैसे कि फ्रेंच, डच और ब्रिटिशर्स के बीच दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाने की होड़ लगी हुई थी, स्पेशली रिसोर्स रिच साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया। पर ये इतना आसान नहीं था। ज्योग्राफिकली ब्रिटेन और इंडिया के बीच 4500 माइल्स की दूरी थी। साउथ एशिया तक पहुंचने के दो रास्ते थे, पहला बाय रोड, बट ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था दुश्मन देशों की टेरिटरी और सेंट्रल एशिया के टफ टेरेन की वजह से, और दूसरा था वाटरवे। पर एशिया तक पहुंचने के लिए यूरोपियन शिप्स को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप को पार करके यहां तक पहुंचना पड़ता था, जिसमें इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम और रिसोर्सेज लग जाते थे, और साथ ही पायरेट्स अटैक और हार्श क्लाइमेट इस रास्ते को हाईली इनएफिशिएंट बना देते थे। और तभी एक सेफ और शॉर्ट वाटरवे की नीड महसूस हुई, और इस नीड को आगे चलकर स्वेज कैनाल ने पूरा किया।